यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो व्लॉग में। और कुछ बताने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आंखें तो दिख रही हैं, क्या फायदा नकाब का। अगर शायरी अच्छी लगी हो तो तालियां बजा दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं अपनी दुख भरी कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हम ठहरे मिडिल क्लास घर के बच्चे, और एक मिडिल क्लास घर के बच्चे का पर्सनल रूम होना बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। चाहत बहुत होती है कि नहीं यार मेरा भी एक पर्सनल रूम हो, और वो भी बहुत ही एस्थेटिक। और मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये खुरापात चल रहा था कि नहीं मुझे भी एक पर्सनल रूम चाहिए भले ही ना, लेकिन मुझे रूम को एस्थेटिक बनाने का बहुत शौक है। तो मैंने सोच लिया है कि हमारे घर में एक ऊपर वाला कमरा जो कि पूरा खाली पड़ा रहता है, कोई नहीं रहता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है अभी, तो मैंने इसको एस्थेटिक बनाने का सोचा है। तो हम काम पे लग जाते हैं, उससे पहले हम गाने लगा लेते हैं, क्योंकि बिना गाने के मेरे से कोई काम नहीं होता है भाई साहब। तो यस, गाने चलाने के बाद हम लग जाते हैं अपने काम पर। एक एक कोने में ऐसी ऐसी धूल जमी थी कि पूछो मत, पूरी मेरे ऊपर ना एक परत चढ़ गई थी माटी की, इतनी ज्यादा धूल थी। तो मैंने जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल थे, कॉपी किताब जो भी सब पहले का पुराना रखा हुआ, तो मैंने सारा हटा के रख दिया है। हाँ, इसका यूज मैं करूंगी अपने रूम में, जो भी मेरे को सही करना होगा तब मैं यूज कर लूंगी, लेकिन अभी मेरे को सारा खाली करना है इसको। और एक तो दिक्कत ये है ना कि सारा सामान निकाल के रखेगा, क्योंकि उसकी भी जगह नहीं है। पूरे घर में जो भी सामान बचा था सब यहीं आके घुसेड़ दिया था। अब जब इनको यहाँ से हटाना है तो कहाँ ही रखे जाके। और ये देखो कितने सारे क्लेचर, मैं डेली ऊपर आती हूँ ना सोने के लिए तो यहीं पर रख देती हूँ, बाद में नीचे जाती हूँ तो उठा के नहीं ले जाती हूँ, इसलिए सारे यहीं पर इकट्ठा हो गए। इतने सारे और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं, मेरा सामान इधर ही उधर पड़ा रहता है। तो इसीलिए मेरे को एक कमरा चाहिए ताकि मैं उसको संभाल के रख सकूं। पता नहीं उसके बाद भी मैं रख पाऊंगी या नहीं। वैसे ये सारे काम बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, मतलब रूम को क्लियर करना है, उसको फिर डेकोरेट ये सब करना, पर हम जैसे आलसी इंसानों के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो हमने जब सोच लिया है कि चलो इसको करते हैं, तो हमने पूरे कमरे की सफाई की। अब इसको मैं सोच रही थी पेंट करने की, पर पेंट जितना बजट नहीं है। इस रूम का मैं मेक ओवर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा सा मैं इसको तैयार करूँगी, लेकिन बजट में रह के। तो ठीक है, अब हम करेंगे रूम मेकओवर, वो भी बजट में। तो इसीलिए इस वीडियो का नाम, तो वैसे तो इसमें तो सिर्फ क्लीनिंग ही होने वाली है, तो आगे का जो भी ये वीडियो आएंगे उसमें हम करेंगे अपने पूरे रूम का मेकओवर, वो भी बजट में। पर अभी ना इसको हम पार्ट वन बोल देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अभी हमारा पूरा कमरे की सफाई हो चुकी है, अब हम इसमें पानी से ना, मतलब कि थोड़ी सी जो धूल थी उसको पानी से हटा देंगे, मतलब कि कपड़े मार देंगे गीला करके, जिसे हम पोछा बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा करने के बाद मेरे को लग गए थे इस सब कुछ करने में 2-3 घंटे, नहीं 2 घंटे लग गए थे। और अभी मैं पूरी भिखारन बन चुकी हूँ और मेरा रूम कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत गंदा था तो मैंने उसको साफ कर दिया है, अब आगे का देखते हैं कैसे करना है। और आज बारिश भी हो रही और अब देखते हैं आगे इसमें क्या क्या करना है। बहुत कुछ करना है अभी तो इसमें। ये देखो बारिश हो रही है अभी भी, हम लोग जब से काम कर रहे हैं मेरे कपड़े इतने गंदे हो गए कि पूछो मत। ये देखो सब गंदा हो गया। पाल मेरे लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल का छठी है। तीन टाई फूल मिलेगा भैया, कैन मोल तीन टाई फूल मिलेगा खाली है, उल्लू का तीन टाई फूल मिले। हम क्या पहना रही हूँ, कंगन। ये पुंजारी भैया, खिलाड़ी भैया सुने थे, आज पुंजारी भैया सुन लो। पुंजारी भैया, पुंजारी भैया, पुंजारी क्या करता है तू? ये तुलसी की पत्ती छाट रहा है प्रसाद में रखने के लिए। मम्मी वॉन्ट सम मच एंड दिस इज द प्लेट। आज की प्लेट तैयार हो रही है भाई साहब, ये चावल है खीर लग रही है। टुडेज प्लेट। दुकान खोल लियो कानमोल, ये पानी हटाओ। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बच रहा है। रुक जाओ, ये क्या है मम्मी? हाँ ठीक चढ़ा रहा है। व्हाट इज दिस? ये चंदन है। चंदन किस? अच्छा चंदन खोपड़िया में लगा मत्थे में। चंदन शहर न का बहु ऐसन लागे। आज लड्डू गोपाल की छठी है गाइस। छठी जिसमें मतलब कि 6 दिन हो गए हैं जन्म के बाद, 6 दिन के बाद छठी होती है। शहर न का बहु
इस इन सब में से बस पानी पीने का मन हो रहा है और कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है। अभी कुछ ना खाए मन का है तो मन ही नहीं हो रहा है। 2 रुपया दुनिया को रखे ठेंगे पर भैया भोग समर्प्याम भोग समर्पयामी भोग ग्रहण करो लड्डू यदा धर्म से ज्ञाने निभवत भारत है। तू कितनी प्यारी है प्यारी प्यारी है माँ ओ माँ। अभी लड्डू खाएंगे खाना कढ़ी चावल खाएंगी। मम्मी आपको मीठी खाने बनानी चाहिए थी लड्डू को मीठी पसंद है ना लड्डू। भोग समर्पयामी हमारे लड्डू 6 दिन के हो गए हैं। मतलब 1 महीना 30 दिन के कहा एकदम उल्लू होगा तुम कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। इनका भोग इनके पास रखा रहने दो है ना। जो भी पेट वेट खाली होगा तो अपना आराम से धीरे धीरे खाते रहेंगे और हम यहाँ से चलते हैं और ये प्रसाद ले लो और ये सब में वितरित कर लो। चलो सबको देते हैं प्रसाद। हम कह देंगे उठा लो भैया एक गया चोर का पिंक चड्डी वाला। दिस इज अवर टूडेज व्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।